हेलो, मैं डॉक्टर सीएम सिंह और आप सभी लोगों का पीसीएस सिंप्लीफाइड टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि यूपी पीसीएस 2024 को लेकर के कि हम किस तरह से रणनीति अपनाएं जिससे हम पीटी पास कर सकें, और एक दिन फिर हम मेंस की चर्चा भी करेंगे कि कैसे हमें मेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, किस तरह से हमें लिखना है और क्या लिखना है कि जिससे हमें बेहतर नंबर आ सके। तो आज हम बुला रहे हैं हमारे सेलेक्टेड दोस्त सुधीर जी, और आपको इसके बारे में बताएंगे। तो अभी एग्ज़ाम लोगों का जो कैंसिल हो गया है, पता ही होगा, पोस्टपोन हो गई है डेट। तो अभी लगभग 3 मंथ मिल गए हैं। तो बहुत से लोग होंगे जो कि प्रिपेयर कर रहे होंगे, मतलब मेंस के लिए भी लग गए होंगे, क्योंकि तैयारी तो लगभग सबकी हो गई थी, 10 दिन बचे थे एग्ज़ाम में। बट कुछ लोग हैं जो उनको मतलब अभी भी जो फर्स्ट टाइमर होंगे, जिनको प्रीलिम्स की भी तैयारी अभी मतलब नहीं हो पाई है पूरी। तो मेरा जो अभी आज का सेशन है, मेनली हम प्रीलिम्स पे ही बात करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन से रिसोर्सेस फॉलो करने हैं, ठीक है? तो उस पर बात करेंगे। तो जो अपन बात करेंगे आज, मतलब मेनली 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, मतलब 3 स्टेजेस में चलेंगे, ठीक है? पहला ले लेंगे कि हमें रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं, ठीक है? प्रीलिम्स के लिए हम बात प्रीलिम्स की कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा एक ऑप्टिमल प्लान क्या होना चाहिए कि हम जो है कैसे जो है रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करना है हमें, कि हमें अपनी नेगेटिव जो मार्किंग है, हाँ, उससे कम से कम नुकसान हो हमें, ठीक है? कम से कम क्वेश्चंस गलत हों, कितने अटेम्प्ट करने हैं, टेस्ट सीरीज को कैसे यूज करना है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। फिर हमारा एक टारगेट स्कोर जो होना चाहिए, कितने क्वेश्चन हम सही करें, ठीक है, उसकी बात करेंगे। ये 3 चीज़ें हम जो है ओवरऑल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? रिसोर्सेज से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सब्जेक्ट्स जो लिखे हुए हैं उस ऑर्डर में लिखे हुए हैं कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट किससे मिलता है, ठीक है? जैसे पॉलिटी की बात करें अगर, तो पॉलिटी में इस बार आए थे 2023 के पीसीएस में लगभग 22 क्वेश्चंस थे, ठीक है? ज्योग्राफी में थे टोटल अराउंड 21-22 क्वेश्चन, ठीक? एनवायरनमेंट में भी लगभग 19-20 क्वेश्चन थे, 18-19, करंट अफेयर्स लेके। इसमें साइंस में इस बार कम है, वैसे साइंस में 15 क्वेश्चंस रहते हैं, बट इस बार 11-12 क्वेश्चन ही थे, ठीक है? हिस्ट्री में टोटल एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न मिला के आपके 26 क्वेश्चंस आए हुए हैं 2023 में। यही लगता है हर साल, लगभग एवरेज यही रहता है, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो अराउंड 15 क्वेश्चंस, बट मोस्टली ये करंट अफेयर बेस्ड है। और यूपी स्पेशल 2-3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस थे इस बार, 5 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत ही स्कोरिंग एरिया है। सेंसस से भी 2-3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करंट अफेयर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब एरिया है, देखा जाए 30+ क्वेश्चंस रहते हैं जनरली, ठीक है? अभी क्या है कि अगर आप देखोगे तो जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री आप कितना भी पढ़ लो, बट 50% क्वेश्चंस ही आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? मतलब आपने 26 क्वेश्चन के लिए एंशिएंट भी पढ़ा, मेडिवल भी पढ़ा, मॉडर्न भी पढ़ा, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप 26 में से मे भी 13 क्वेश्चन ही आपको आते होंगे, बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड हो तो 18 भी हो सकते हैं, बट पॉलिटी आप अगर अच्छे से प्रिपेयर किए हो तो इजीली आप 20 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? और पॉलिटी में टाइम आपको
हिस्ट्री से मे भी 50% भी टाइम नहीं देना है उसका, ठीक है। तो कहने का मतलब कि प्रेफरेंस रखिए आप सब्जेक्ट्स में, ठीक है, प्रीलिम्स में भी जब प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि होता क्या हम साइंस इग्नोर कर देंगे यहाँ पे, बट साइंस जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो इजीली हो जाते हैं आपसे अगर आपने प्रिपेयर किए हुए हैं। पॉलिटी आप इग्नोर कर देते हो तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आ जाती है। हम हिस्ट्री उठाते हैं, हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, 3 महीने निकल जाते हैं, हिस्ट्री ख़त्म ही नहीं होती है, प्रॉब्लम ये भी है। तो इस प्रेफरेंस मैंने रखा हुआ है, मैं भी इस प्रेफरेंस मतलब इसी ऑर्डर में मैं तैयारी करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं पॉलिटी ही उठाता हूँ क्योंकि सबसे कम टाइम लेता है और सबसे पहले कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इसको करने के बाद मेरा स्कोर अपने आप जंप कर जाता है। फिर मैं अपना ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एक साथ लेके चलता हूँ, पहले ज्योग्राफी करता हूँ फिर मैं एनवायरनमेंट करता हूँ, ठीक है। दोनों को साथ ही लेके चलना है, कैसे चलना है अभी बात करेंगे आगे। उसके बाद साइंस करते हैं क्योंकि साइंस लास्ट में आप छोड़ देते हैं, इग्नोर हो जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। हिस्ट्री आप बीच बीच में उठा सकते हो, अभी बात करेंगे इस पर, और करंट अफेयर पे भी लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट वाइज चलेंगे तो बताते हैं रिसोर्सेज क्या हमें फॉलो करने हैं। जैसे सबसे पहले पॉलिटी पे बात करते हैं। अभी क्या हुआ है, पहले तो एग्ज़ाम का जो हमारा ट्रेंड हुआ है रिसेंट टाइम में वो चेंज हो रहा है। जो हमारा भी ट्रेंड है अभी आप देखेंगे, ओके, ठीक है, ठीक है। जो ट्रेंड है हमारा लास्ट 5 ईयर की अगर हम बात करें, हाँ, पहले क्या है ना, फैक्चुअल पेपर आया करता था, हम घटना चक्र करके जाते थे या फिर कोई भी यूथ कंपटीशन लगा लिया, प्रीवियस ईयर करके जाते थे, हो जाता था, ठीक है, मतलब 50-60% पेपर रिपीट होता था। अभी ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, अभी आपका पेपर 2 लेवल पे जा रहा है, एक फैक्ट भी पूछे जा रहे हैं आपसे, जहाँ पर अभी भी प्रीवियस ईयर का रोल बचा हुआ है, ठीक है। अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 30-40 क्वेश्चन जो हैं आपके आउट ऑफ 150 वो आपके प्रीवियस ईयर से आएंगे, डायरेक्टली नहीं आएंगे क्योंकि एग्ज़ाम का नेचर वन डे तो है नहीं, एनालिसिस आपको सीखनी होगी, तो 1-2 स्टेटमेंट मिलते हैं, इस तरह से मिलते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब वो टाइम जा चुका है, बट अभी भी 30-40 क्वेश्चंस आप जो है प्रीवियस ईयर की हेल्प से कर सकते हो अगर आपने डिलीजेंटली किया हुआ है तो। दूसरा, अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, अभी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में 2-4 क्वेश्चन, तो इसका भी वेटेज बढ़ा है और ये ठीक ठाक क्वेश्चंस आ रहे हैं। पॉलिटी तो पूरी कॉन्सेप्चुअल ही आने लगी है अभी, जैसे अब 22 क्वेश्चंस जो आए हैं तो 4-5 फैक्चुअल होंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको कोई प्रॉपर बुक रेफर करनी पड़ेगी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप प्रीवियस ईयर करके नहीं जा सकते, ठीक है। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में हैं, दोनों चीज़ों पर आप वर्क करना है अगर आपको स्कोर करना है। तो आइए, ठीक है, तो पॉलिटी पे बात करते हैं पहले, कैसे करना है हमें। तो बुक्स की बात करें, ठीक है, तो बुक्स आपको 2 बुक्स पे हम मेनली फोकस करेंगे, अगर आपने कोई क्लास करी होगी तो क्लास नोट्स तो आपको पढ़ने ही हैं अपने, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, पढ़ी होगी मे बी सबने, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, अभी टाइम है, क्योंकि ये आपके सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं काम देगा, ये आपके मेंस में भी काम आएगा, ठीक है, मेंस में भी आपके 7-8 क्वेश्चंस यहीं से आने हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो प्रीलिम्स तो निकल जाएगा मे बी, बट मेंस में आप लटक जाओगे, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, कैसे पढ़ना है अभी बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कहीं से भी हमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, PYQ लगाना है हमें कहीं से भी, और यूथ का ले सकते हैं चाहे घटना चक्र का ले सकते हैं। इसको कैसे यूज करना है अभी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। जैसे अब हमें PYQ पढ़ना कैसे है, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत को पढ़ना कैसे है, ठीक है, तो देखिए जैसे अपन उसमें चैप्टर 1 देखते हैं, जो
उसमें है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जो है हमारे इंडिया में जो भी हुए हैं ब्रिटिश शासन से लेके आज़ादी तक की बात हुई है, तो उसमें डेट्स तो इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे आप पढ़ते हो कि फ्रेंचाइजी जो वोटिंग राइट दिए गए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है, ठीक है, तो वो पूना पैक्ट की हम बात करते हैं ना जैसे, बट पूना पैक्ट से पहले भी सेपरेट इलेक्टोरेट की कुछ लोगों का आ चुका था, जैसे सिक्स का आ चुका था, एंग्लो इंडियंस का भी आ चुका था, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस में आया था, डायर्की किस में आई, ठीक है, पहली बार डायर्की कहाँ आई, सेंट्रल में आई कि स्टेट्स में आई, ठीक है, किस मतलब किस एक्ट में आई, ठीक है, बाई कैमरा लेजिस्लेचर कब आया। आपको फैक्चुअल चीज़ों को लेकर चलना है, क्योंकि चैप्टर वन तो पूरी तरह फैक्चुअल है, लेकिन जब चैप्टर टू में आते हैं, ठीक है, तो जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे चैप्टर टू में जो क्वेश्चन आप जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर दिए हुए हैं उसमें, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर दिए हुए हैं, तो सारे मेंबर आपको याद रखने हैं, वो पूछे जाते हैं। हाँ, उसमें एक मेंबर ऐसे हैं जो इल हेल्थ की वजह से रिप्लेस हुए, तो भी पता होना चाहिए कि कौन रिप्लेस हुए, उनकी जगह पे कौन आए, एक की डेथ हुई उनकी जगह पे कौन आए, ठीक है, तो ये आपको देखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स की संख्या भी कितनी है। स्टेटमेंट दे सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में इतने मेंबर थे, ठीक है, चेयरमैन तो आपको सबको ही पता है, तो इस तरह से पढ़ना है। और उसमें संविधान हमारा कब अडॉप्ट हुआ, ये क्वेश्चन 20 बारी आया है, कितनी टोटल मीटिंग्स हुई, कब हमारा नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, सबकी डेट दी हुई है, इसको आपको एनालाइज करना है प्रॉपर, ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है। और जब आपका प्रिलिम हो, प्रिलिम के 2 से 3 दिन पहले इन चैप्टर्स को आपको ज़रूर विज़िट करना है, रटना नहीं है, एनालाइज करना है, कम से कम 3 से 4 बार आप पहले ही पढ़े हो, मिनिमम 3 टाइम्स, और प्रिलिम्स के 2 से 3 दिन पहले आपको उसे एनालाइज करना है फिर से एक बार, क्योंकि चीज़ें रिकॉल नहीं होंगी, वहाँ ऑलरेडी आप प्रेशर में हो। अगर कुछ वहाँ पर याद ना हो रहा हो, जैसे कुछ चीज़ें नहीं याद होती हैं, तो बात करेंगे, ट्रिक्स बना सकते हो आप, ठीक है। अभी आप चैप्टर 3 पे आते हो, तो चैप्टर 3 में जब आप आते हो तो यहाँ पर आप देखते हो, एक तो पार्ट्स है और शेड्यूल है, ठीक है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं, अभी इस बार भी आया है, किस पार्ट में क्या है, ठीक है, पार्ट्स हैं, इसको एकदम ऑर्डर वाइज याद कर डालो आप, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 ए, ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए। यहाँ से नहीं पूछेगा, वो जाएगा पार्ट 11, पार्ट 12, जहाँ बिल्कुल आपको याद नहीं है, ठीक है, जब आप उसको याद करोगे तो अलॉजिकल सीक्वेंस है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट्स आती है, फिर लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, यूटीज़ है, लोकल गवर्नमेंट है, तो एक लॉजिकल ऑर्डर है चीज़ों का, वो आपको एनालाइज करना, रटना नहीं है, पहले चीज़ों को समझोगे आप तभी कि एक लॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें चल रही हैं, हायरार्की बनी हुई है वहाँ पे, ठीक है, फिर आप शेड्यूल पढ़ते हो, ठीक, जैसे शेड्यूल में बात करें, शेड्यूल से भी क्वेश्चन आते हैं, आना ही आना 1 से 2 क्वेश्चन, जैसे बात करें 8th शेड्यूल आप पढ़ते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज का है, ठीक है, अब यहाँ से आपको यहाँ से एनालाइज करना है ना कि पहले कितनी थी, पहले टोटल 14 लैंग्वेजेस थी, ठीक, अभी कितनी है, अभी 8 और जुड़ गई हैं, 22 हो गई हैं ना, अब हो क्या रहा है, आपको ये भी पता होनी चाहिए कि 8 लैंग्वेजेस कब कब जुड़ी हैं, कौन कौन सा संविधान संशोधन था, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे ही वहाँ से याद करनी है, वो सिर्फ फैक्ट नहीं दिया हुआ, यहाँ पर आपको एनालिसिस करना है कि यहाँ पर हमारी टोटल 8 लैंग्वेज जुड़ी हैं, तो एक बार एक जुड़ी थी, इसको ट्रिक से याद कर लीजिए कि ये किसवां संविधान संशोधन था, ये 73वां था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो शायद 92nd ही आएगा लास्ट हमारा, ठीक है, और इसका भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, जैसे पहले सिंधी होगी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी होगी, और ठीक है, हाँ, तो ऐसे आप यहाँ से, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनेगा तो आपको गलत नहीं होगा ना, क्योंकि आप ये देखिए कि 22 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, और आप हिस्ट्री का आधा भी टाइम दोगे ना, गारंटी है कि 20 प्लस सही होगा आपका, तो ऐसे करना है आपको, शेड्यूल कर लिया आपने, फिर आगे उसी में आते हैं हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शुरू के 3-4 चैप्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पीसेस ज़्यादा उठाता है अभी भी, वो फैक्चुअल नेचर का है, क्योंकि कभी भी नोट्स तो ऐसे लक्ष्मीकांत का नहीं बनाना चाहिए, ऑलरेडी वो नोट्स है, ठीक है, तो उसको ना ही बनाइए तो अच्छा है, क्योंकि वो देखेंगे चैप्टर 3 आप देखेंगे तो पूरी तरह से नोट्स फॉर्म में ही है, उसमें कुछ भी नहीं बनाना है, मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मैंने भी बनाया था बट मैं उसको कभी उठाता नहीं हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है, फिर आता है कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है, उसको भी आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ऐसे ही आपको पढ़ना है। बाकी एक ब्रॉड लेवल पे जब आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, उसके साथ कोशिश करिए वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़िए, उसी के साथ आपको गवर्नर भी पढ़ना है, ठीक,
ये सिक्वेंस में चलना है, क्योंकि कंपैरिजन हो जाएगा। ऐसे ही आप जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हो, इसके साथ ही आप हाई कोर्ट और इसके साथ ही आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है, साथ में पढ़ना है। ऐसे ही अब जब आपने पार्लियामेंट उठाया, ठीक, तो पार्लियामेंट के साथ में आपको स्टेट लेजिस्लेटर भी उठाना है, ठीक, ये साथ में ऐसे लेके चलना है, सिंक्रोनाइज लेके चलना है चीज़ों को, तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई कैसे हमें लक्ष्मीकांत पढ़ना है। अभी बात करते हैं कि PYQ कैसे करना है। ये स्ट्रेटेजी हर जगह सेम रहेगी हमारी सारे सब्जेक्ट्स में। तो PYQ हमें कैसे पढ़ना है, तो PYQ पढ़ने के पहले सबसे पहले तो आपने अपनी बेसिक बुक पढ़ रखी है, बेसिक बुक या नोट्स जो भी आपके हैं, ठीक, उसको पढ़ लेनी है आपको। उसके बाद क्या करना है, आपको सॉल्व करना है PYQ। कैसे सॉल्व करना है, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो बिल्कुल उसी प्रोसेस में। ऐसे नहीं करना है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर पढ़ना शुरू किया, टाइम हो सकता है आपको उसमें कम लगे बट आप कुछ सीखोगे नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइक एग्ज़ाम देना है आपको, जैसे आप एग्ज़ाम में देते हो, क्वेश्चन पढ़ा आपने, ऑप्शन को आपको छिपा लेना है किसी पेज से या किसी हाथ से, आपको गेस करना है क्या होगा, ठीक है, ऐसे ही देना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इम्प्रूवमेंट हो। इसके बाद इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको बुक में भी नहीं मिली होंगी, ऐसे क्रूड फैक्ट होंगे, इन फैक्ट्स को, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के मतलब क्वेश्चन ही हैं, इनको आप अपनी बुक या नोट्स में ही मुश्किल से 2 से 3 पेजेस के नोट्स बनेंगे आपके, ऐड कर लोगे आप। अब हर बार आप प्रीवियस ईयर आपको नहीं उठाना है, 1 हफ्ते लगते हैं मिनिमम अगर आप कंप्लीट करने बैठोगे तो, पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम में, तो आप इसको 2 से 3 पेजेस में ही शॉर्ट नोट्स को ऐड करोगे। अब इसी को आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, इसको इसको, और साथ में जब टेस्ट सीरीज अपन करेंगे तब आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई नोट्स कैसे बनाना है। तो नोट्स ऐसे ही रहेगा हमारा, जो नोट्स है ऐसे छोटे से नोट्स बनाएंगे हम, बिल्कुल शॉर्ट्स में लिखना है, चीज़ों को बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है, आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया क्योंकि आप ऑलरेडी एग्ज़ाम लाइक माहौल में दे रहे हो इसको, तो आप ऑलरेडी सोच रहे हो ना उस चीज़ को, जब आप सोच रहे हो तो फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। बट इसको रिवाइज करते रहना है, लोग बना लेते हैं बट रिवाइज नहीं करते, प्रॉब्लम यहीं पे होती है फिर, ठीक है। तो ये पॉलिटी की बात हो गई। अभी बात करेंगे ज्योग्राफी। तो इसमें हमें कौन सी बुक्स लेनी है, तो बुक्स की बात करेंगे। इसमें लगभग आए थे हमारे 21 क्वेश्चन, बट एनवायरनमेंट भी जो कि मोर और लेस कनेक्ट करता है हमारा इसके साथ ही, और दोनों को ले लिया तो अराउंड 40 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो बुक्स क्या बात करें, तो बेसिक NCERT पढ़नी चाहिए सिर्फ प्रिलिम्स के लिए, अगर मेंस भी आपको देना है, ठीक है, तो आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी। प्रिलिम्स तुम्हें भी आप निकाल लोगे बट यहाँ रुक जाओगे, यहाँ रुक जाओगे। जिनका एक बार रुक जाता है उनका बार बार रुकता है, क्योंकि साइकिल में अगर फंस गए 3 महीने में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मेंस भी निकालना है तो आपको NCERT पढ़नी होगी, ठीक है, 11th 12th की, टोटल 4 NCERT हैं, इसको पढ़ लें। इसके अलावा आती है महेश बर्णवाल की, ठीक है, इसको रेफर कर सकते हैं NCERT के साथ में, चीज़ें बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाई गई हैं तो आराम से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ये दो बुक रेफर करेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और फैक्ट के लिए भी। दूसरा एटलस से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वर्ल्ड और इंडिया मिला के दोनों। तो एटलस आपको कोशिश करिए कि 1 आवर अगर डेली दे सकते हैं, क्योंकि एटलस आपका एक बार में नहीं हो पाएगा कि हम सोचे कि एक बार में लेके बैठ गए और हो जाएगा, क्योंकि टोटली मेमोराइज करना है और एनालाइज करना है चीज़ों को, ठीक है। अभी एटलस को हमें करना कैसे है, तो
एक बार में आप कोई एक कॉन्टिनेंट उठाइए, ठीक है। मार्केट में हमारे मैप मिल जाते हैं, रॉ मैप होते हैं जिसमें हम चीज़ों को फिल कर सकते हैं, वो भी रखे रहिए, ठीक है। कोई एक कॉन्टिनेंट उठाइए, सिंपल सा कोई भी एटलस ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड का या फिर ओरिएंट किसी का भी, और वहाँ पे आपको पहले एनालाइज करना है। जैसे अगर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें, पहले आप मैप से पूरा एनालाइज करोगे पोजिशन के हिसाब से कहाँ पर क्या है, ठीक है। उसके बाद जैसे फर्स्ट टाइम में आपने कर लिया कि माउंटेंस मुझे बनाने हैं सिर्फ, ठीक है, तो आपको मैप पे कोशिश करो कि माउंटेंस दिखा सकते हो, यहाँ पर आप रॉकी दिखा सकते हो, ठीक है, एप्लेशियन दिखा सकते हो, ठीक है। दूसरी जो चीज़ें याद नहीं होती हैं, जैसे ग्रेट लेक्स की बात करें, ठीक है, जैसे ग्रेट लेक्स है, तो आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर ट्रिक्स भी बनानी है। अगर अकेले ना बने तो एक दो लोग अपना ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए कैसे। जैसे ग्रेट लेक्स पढ़ते हैं अपन, तो ग्रेट लेक्स का तो खैर बहुत फेमस है, ये याद किया हुआ है होम्स लोगों ने, ठीक है, होम्स याद किया हुआ है, ह्यूरॉन है, ओंटेरियो, मिशिगन, इरी एंड सुपीरियर। ये तो आसान है, बट अगर इसका ऑर्डर पूछ दे आपसे कि ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर ही बताइए, तो कैसे बताओगे आप? आपने तो होम्स याद कर रखा है, ठीक है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा कि यार ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा, बहुत फैक्चुअल पूछ दिया, नहीं। तो आप इसको ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ है बहुत बार, ठीक है, मैं ऐसे होम्स लिख देता हूँ, आप मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, वो ऑर्डर में है, वो ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ये ऑर्डर है ईस्ट टू वेस्ट। तो ऐसे आपको ट्रिक्स बनानी है, ठीक है, और भी चीज़ों की बनानी है, ऐसी चीज़ें जो कि टोटली फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा आप उसमें एनालिसिस नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको इस तरह की चीज़ें करनी है, ऐसे उठाना है, फिर मैप उठाना है, मैप में चीज़ों को मार्क करना है। ग्रेजुअली जब 2 से 3 बार आप मार्किंग कर लोगे मैप में, तो चीज़ें अपने आप मेमोराइज हो जाएंगे, उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसको आप सोच पाएंगे। तो हमें ऐसे एटलस करना है, डेली 1 घंटे देंगे तो 1 महीने में आपको इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा, मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा 1 महीने में, ठीक है। इसमें आप PY की जरूर देखिएगा, कैसे एटलस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि अब नए क्वेश्चंस भी बनाए जा रहे हैं एटलस में, ठीक है। फिर PYQ सेम प्रोसेस हमारी रहेगी, ठीक है, आप अच्छे से अपनी बुक्स पढ़ेंगे, जो भी नोट्स हैं उसको पढ़ेंगे आप, PYQ में जो भी आपको न्यू फैक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, उनको उठाना है और अपने नोट्स में, मतलब जो भी आपने नोट्स बना रखा है उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। फिर जब हम फाइनल रिवीजन करेंगे तो हमारी सिर्फ बुक्स होगी और हमारे ये जो हमने नए नोट्स बनाए हैं 4-5 पेज के में भी बनेंगे, ज्योग्राफी थोड़ा बड़ा है, इनको बस हम रिवाइज करेंगे और फिर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा अपने आप। ओके, अगले सब्जेक्ट्स पे पढ़ते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट है, सबसे पहले हमने पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमने ज्योग्राफी करी है, ज्योग्राफी के साथ में ही जैसे कंप्लीट हो एनवायरनमेंट स्टार्ट करिए, क्योंकि चीज़ें बहुत ही कनेक्टेड हैं, ठीक है, जैसे नेशनल पार्क उसमें भी पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ते हैं। तो एनवायरनमेंट कैसे पढ़नी है, तो एनवायरनमेंट मुझे लगता है कि शायद सबसे स्कोरिंग है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि सबसे कम टाइम लेगा आपका, मतलब 1 हफ्ते में आप इसको तैयार कर सकते हो, 1 सप्ताह के समय में। तो बुक्स क्या पढ़नी है, अभी भी इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो बहुत नहीं आ रहा है, तो बट अभी नेचर चेंज होगा इसका भी। तो अगर बुक की बात करें, अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं तो शंकर IAS का ले सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप वाणी पब्लिकेशन की आती है जो, ये भी बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, वाड़ी की जो एनवायरनमेंट आती है बहुत अच्छी है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे, दोनों से ही हो जाएगा जो आपको सुटेबल लगे। इसमें PYQ आपका मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है आपका, ठीक है, तो इसमें PYQ बहुत अच्छे से करना है जहाँ से भी करें, ठीक है, नोट्स बनाना है, कोई स्ट्रेटेजी में चेंज नहीं है, सारे सब्जेक्ट की सेम स्ट्रेटेजी है, जो भी आपके 2-3 पेजेस के नोट्स निकलेंगे, जैसे इसमें बहुत से वर्ड है ना, जैसे इकोसिस्टम टर्म किसने दिया, अब ये आपको नहीं मिलेगा, मे बी प्रीवियस ईयर में मिले,
तो इकोसिस्टम टर्म कहाँ किसने यूज किया, बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने यूज किया, ये सारी चीज़ें जो हैं मिलेंगी। साथ में क्या करना है आपको, कुछ चीज़ों पे स्पेशल फोकस करना है। जैसे आपको नेशनल पार्क याद होने चाहिए, कोशिश करिए याद हो जाए जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, इम्पोर्टेंट एक्ट्स हुए हैं कुछ, जैसे वाटर एक्ट है, ठीक, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, WPA बोलते हैं, ठीक, और भी जो भी एक्ट हैं, ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट है हमारा। इनका बेसिकली पूछता है ईयर, तो सारे एक्ट्स को एक जगह लिखें एक ऑर्डर में और उनके ईयर जो है मेमोराइज कर लें, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस में। इसके अलावा इसमें जो है करंट अफेयर भी रहता है न्यूज़ में, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, तो करंट अफेयर भी न्यूज़ में रहता है। तो ये हमारी जो भी हम करंट अफेयर की मैगजीन फॉलो करते हैं वहाँ से करेंगे तो ये कवर हो जाएगा। दो तीन क्वेश्चन करंट के रहते हैं, जैसे अर्थ डे हुआ तो उसकी थीम पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में ना आए, ओवरऑल GS की बात करें, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, बेसिकली साइंस में प्रॉब्लम आती है, एनवायरनमेंट में आएगी, ज्योग्राफी में आएगी, तो वहाँ पर YouTube या फिर आप नेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं देखना, बस इतना ही देखना कि चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस होगी। अभी साइंस की बात करेंगे, साइंस में हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे, ठीक है। NCERT तो पढ़ी है आप लोगों ने, साइंस की नहीं पढ़ी है, घटना चक्र पढ़ी है, ओके। इसमें NCERT में कुछ सिलेक्टेड चैप्टर, अभी मैं बात करूँगा इसकी आगे की स्लाइड में, 9th-10th की है, सिर्फ दो तीन चैप्टर हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको लूसेंट तो पढ़ी होगी, लूसेंट पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। लूसेंट अगर आपने कर लिया है तो मोर और लेस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, मैंने जो है GS वाले में से सिर्फ साइंस का पोर्शन किया है, अदरवाइज आपने अगर साइंस वाला सिर्फ किया है तो वो और बेटर है, ठीक है। इसके अलावा आप आती है राघविंद्र सर के नोट्स आते हैं, राघविंद्र सर के नोट्स मिल जाएंगे आपको मार्केट से, ठीक है, धीमे पढ़ाते हैं, ये आप रेफर कर सकते हैं। इसमें आपका बायोलॉजी का जो पोर्शन है, तीन बार इसको कम से कम पढ़ना है, और पढ़ सकते हैं तो और अच्छी बात है। बायोलॉजी का जो सेक्शन है और ओवरऑल भी जो PCS मेजर के क्वेश्चन आते हैं, मोर और लेस सभी टैकल हो जाएंगे आपको, ठीक है। इतने रिसोर्सेज आप फॉलो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। NCERT में क्या पढ़ना है अभी बात करते हैं। PYQ क्या करेंगे आप, PYQ में सबसे पहले इसमें आप बायोलॉजी करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं ओवरऑल। सबसे पहले बायोलॉजी करेंगे, उसके बाद अपना फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री पे आएंगे। सेम प्रोसेस करनी है हमें, नोट्स निकालना है, 4-5 पेजेस का मैक्सिमम बनेगा, उसको कहीं किसी भी जगह पे ऐड कर लेना है और उसी को रिवाइज करना मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो हमारा ये नोट्स तैयार हो जाएगा, इसी को बार बार हमें रिवाइज करना है, ठीक। जैसे अभी बात करें, हाँ, NCERT में मैंने मतलब क्या हमें देखना चाहिए, तो यहाँ पर आप जैसे कुछ चैप्टर्स जहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, जैसे आप ग्रेविटेशन पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। चैप्टर 9 है, क्लास 9 के NCERT चैप्टर 9 है हमारा गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। चैप्टर 11 जो है साउंड, तो जैसे हम पढ़ते हैं ना इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक, तो इस पर क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं सोनार क्या होता है, सोनार कैसे वर्क करता है, तो सब चीज़ें दी हुई हैं वहाँ पे। तो फैक्चुअल तो आप कर ले जाओगे, कोई फैक्ट पूछ दिया, बट थोड़ा भी उसने, क्योंकि अभी RO के पेपर में थोड़ा सा वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जा रहे हैं, तो कुछ ही चैप्टर हैं जो आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पढ़ना है। जैसे साउंड का चैप्टर आप पढ़ लो यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है, ये कर लीजिए आप, ठीक है, ग्रेविटेशन कर लीजिए आप, ठीक है, साउंड कर लीजिए, अगर टाइम नहीं है तो ये दो चैप्टर इसमें से कर लीजिए आप, ठीक है, अदरवाइज ये सब भी पढ़ सकते हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया और सारी चीज़ें दी हुई हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दिया हुआ है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो। यहाँ पर अगर हम बात करें, इस क्लास की इंसाइट भी सही, यह है क्लास नाइन्थ, ठीक है, यह है क्लास नाइन्थ और यह है क्लास टेंथ की, ठीक है, यहाँ पर पढ़ना है आपको। अच्छा, एक चैप्टर ये है, आप सुनते होंगे, इमल्सन पूछता है, ठीक है, इस तरह के तो इसमें दिया हुआ है, वो प्लाज्मा की बात करते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तो अगर पढ़ना चाहें तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप लाइव प्रोसेसेस, और जब ओल्ड एनसीईआरटी आप उठाएंगे, ये एनसीईआरटी अपडेट हो गई है तो कुछ चैप्टर्स हटा दिए हैं गए, ठीक है, तो कहीं अगर मार्केट में ओल्ड मिल जाए, किसी दोस्त के पास आपके पास मिल जाए, तो उसमें आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पे एक चैप्टर होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैं सर से बोल के ग्रुप में डलवा दूंगा इसका पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं जैसे यूनिसेलुलर पढ़ते हैं, मल्टीसेलुलर पढ़ते हैं, ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है हमारा, प्राइमेट से लेके, हाँ, सब कुछ यहाँ पे है, हाँ, इसको आप कर लोगे तो जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि पूछता है कि ये फिश है या, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, फिश है, इंसेक्ट पूछता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, इसको अपलोड करा देंगे हम, तो ये टॉपिक आपको करना है, इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी हो जाएगा, आप ये टॉपिक पढ़ सकते हो, दो टॉपिक हैं मेनली, चैप्टर नाइन जो है लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, इसमें हम पढ़ते हैं जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आता है, TIR बोलते हैं, और जो भी लाइट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, समुद्र नीला क्यों दिखता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, इसको आप अच्छे से अगर कर ले गए तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। जैसे हम पढ़ते हैं कि कौन से लेंस यूज करने हैं, ठीक है, कौन सा दर्पण यूज करना है रियर और फ्रंट व्यू में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी, तो इतना ही पढ़ लो अगर टाइम नहीं है अभी तो। ओके, हिस्ट्री की बात करेंगे, सबसे वास्ट सब्जेक्ट है, क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं, तो एंशिएंट में क्या रेफर करना है, आप इंग्लिश मीडियम हो अगर तो, येलो बुक आती है, ये वाजीराम एंड रवि कोचिंग है दिल्ली में, उनका मटेरियल है, येलो बुक नाम से मिलती है एंशिएंट इंडिया। आप हिंदी मीडियम हो अगर तो आप SK पांडे ले लीजिए, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए कोई भी रेफर कर सकते हैं, मेरे मीडियम के हिसाब से दोनों अच्छी किताबें हैं। मेडिवल के लिए मैंने लूसेंट रेफर किया था सिर्फ, जो GS की हमारी लूसेंट आती है। और ये हमें पढ़ना कहाँ से है, ये हमें पढ़ना है पोस्ट हर्षा पीरियड जो है हमारा, जहाँ से हमारा पोस्ट हर्षा से हमें पढ़ना है, और कोशिश करिए कि 1857 तक पढ़ लीजिए, लूसेंट। अब इसको फर्स्ट रीडिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, जब आप थर्ड फोर्थ रीडिंग करोगे तो 3 से 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा पूरा आपका, हाँ, मेडिवल टाइम नहीं लगेगा। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना है, मैंने मतलब ये सिंगल सोर्स ही रेफर किया है, रीज़न ये है कि आपकी ये मेंस में भी काम आता है, मेंस में भी जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे हो जाएंगे, ठीक है, तो ये तीन बुक रेफर करनी है। PYQ सेम प्रोसेस हमें फॉलो करनी है, ठीक है, इसमें आपको मेडिवल का जो एरिया है, चूँकि आपने लूसेंट से किया हुआ ऑलरेडी अच्छा दिया हुआ है, बट फिर भी PCS जो है काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, तो मेडिवल को अच्छे से यहाँ पे करेंगे, कोशिश करेंगे, एंशिएंट हो जाता है, और मॉडर्न आपने स्पेक्ट्रम से करी है। अच्छा, स्पेक्ट्रम में भी एक कुछ चैप्टर हम छोड़ देते हैं, जैसे हमारी 1947 के बाद से कुछ चैप्टर हैं उसको छोड़ देते हैं, हम छोड़ना नहीं, जैसे वायसराय वाला चैप्टर है,
इसको अच्छे से करना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो टाइमलाइन आपको समझ में आती है वॉइस राइज, आप करते हो 4-5 पेजेस में दिया हुआ वॉइस राइज का पूरा। फिर है प्रेजेंट, प्रेजेंट मूवमेंट है, फिर है ट्राइबल्स का भी है, फिर एजुकेशन पॉलिसी, प्रेस, ये सारे टॉपिक हैं, इनको भी नहीं छोड़ना है। अगर आप इनको होलिस्टिकली कर रखे हो तो हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट आपका ही होगा, भले वो 13 क्वेश्चन ही आप कर पाए, ठीक है। तो ऐसे करना है, PYQ में क्या करना है, हमें जो भी नई चीज़ें मिलेंगे एक नोट्स में ऐड करना है, सेम प्रोसेस होगी जैसा बताया, ठीक है, और उसी को रिवाइज करते रहना है। ये क्यों आ रहा है? इकोनॉमी जो हमारी आ रही है मेनली, अभी भी मोस्टली करंट बेस्ड आ रही है हमारी इकोनॉमी, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स के लिए, जैसे हमारा रेपो रेट पूछ देता है, बैंक रेट पूछ देता है कि बढ़ाने पर क्या होगा, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, इन्फ्लेशन जैसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इन सब चीज़ों को समझना है तो कोई एक बेसिक बुक रेफर कर सकते हैं, रमेश सिंह ले सकते हैं आप, बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ना है। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन रहे हैं अक्रॉस सब्जेक्ट्स में, सारे में बन रहे हैं, तो जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको आपको यहाँ से मतलब आपके हो जाएंगे। इसके अलावा जब आप PYQ करोगे तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं वो कवर हो जाएंगे। जैसे कई बार पूछता है कि निकी कहाँ का शेयर मार्केट का वो है, ठीक है, या फिर पूछ देता है कि नबार्ड कब आया, SBI पूछ सकता है, ये ऑर्डर दे देता है, SBI दे देता है, सिडबी दे देता है, ठीक है, ये चीज़ें दे देता है, और ये सब चीज़ें आपको नोट बना लेनी है, एक साथ लिख लेना है। जैसे अब इस तरह के ऑर्डर अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाएगा तो आप कर पाओगे, तो ये फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों आपका कवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और अभी भी ठीक ठाक क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर बेस्ड ही आ रहे हैं, और करंट अफेयर में भी क्या आ रहा है, बजट आपको अच्छे से कर लेना है, स्टेट का भी और यूनियन का भी, और इकोनॉमिक सर्वे हमारा जो आता है, ये दो चीज़ें कर लेंगे आप तो आपका कवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अभी बात करेंगे UP स्पेशल, इसमें आप कौन सी बुक रेफर करेंगे, तो इसमें या तो आप तथ्यसार ले लीजिए घटना चक्र की, या फिर वाणी ले लीजिए, दोनों अच्छी है। तथ्यसार ले लीजिए या फिर वाणी पब्लिकेशन की ले लीजिए, ठीक है, दोनों में से कोई भी रेफर कर सकते हैं, दोनों अच्छी है। जनरली 3 क्वेश्चन इस बार आए थे, कभी कभी एक भी नहीं आता है, बट कभी कभी भरोसा नहीं है, 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। इसको कर लेना है अच्छे से। तथ्यसार में आप जाएंगे तो लास्ट के पेजेस में, एकदम लास्ट में आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस Q&A फॉर्म में दिया हुआ है एकदम लास्ट में, इसको आपको कर लेना है अच्छे से, 3-4 बार इसको कर लीजिए। ये बेसिकली PYQ ही है, तो इससे आपका स्टेट से संबंधित जो प्रश्न है जो वो तैयार हो जाएंगे। दूसरा, आपको करंट अफेयर में इसका बजट अच्छे से पढ़ना है, यूपी का यहाँ से प्रश्न आते हैं, बजट का आकार भी पूछ देता है, ठीक है, तो बजट अच्छे से तैयार करना है। और दूसरा PYQ, तो आप वाणी में जब जाएंगे तो वाणी में पीछे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया हुआ है, हर चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए जैसे करना है हमें, कुछ नया लग रहा है तो उसको 1-2 पेजेस में ऐड कर लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सेंसस, इसमें बुक की बात करें तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं,
ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस जो आ रहे हैं दो तीन तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो हमारा सेंसस से क्वेश्चन आता है और कुछ थियरीज भी पूछी जाती हैं, जैसे कई बार माल्थस का पूछ दिया जाता है, ठीक, या फिर नगरीय विकास की अवस्थाएँ पूछ दी जाती हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, सिर्फ फैक्ट नहीं आता है। तो इसके लिए आप जो बुक रेफ़र करोगे वो आप वाड़ी की ले लो, ठीक। अवाड़ी में जो बॉक्सेस में परीक्षा उपयोगी तथ्य करके दिया होता है इसको आप कर लो अच्छे से, पहली चीज़। दूसरा, ये जो थियरीज दी हुई हैं, माल्थस हुआ, नगरीय विकास की अवस्थाएँ आगे पढ़ेंगे तो नगर के बारे में आप पढ़ेंगे, मिलियन प्लस सिटीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये पूरी प्रोसेस आपको अगर आप एक दिन लेके बैठोगे तो 5 से 6 घंटे की लगेगी, सबको करना है और कोशिश करना है कि बस 2 से 3 पेजेस के आपके नोट्स निकलेंगे, बस यही है आपका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आना होगा तो इसमें से आ जाएगा, इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं यहाँ से, ठीक, इसको ही पढ़ते रहना है, ठीक। इसके अलावा ये दो चीज़ें हैं सेंसस, ये तो यूपी स्पेशल का ही पार्ट है लेकिन यहाँ से करना है। इसके लिए आपको यूट्यूब पर सर्च करिएगा आप कि सेंसस 2011 ट्रिक्स, हाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो ट्रिक्स से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे यूपी की बात करें, मैंने अपनी बनाई है ट्रिक, जैसे जनसंख्या के लिए है तो याद क्या हुआ, जैसे इल्मा ओबा जन, ठीक है, अब मुझे याद है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा बट इतनी बार पढ़ लिया कि मुझे याद है, तो इलाहाबाद महोबा जनसंख्या, तो इस तरह से आपको कुछ अपना बनाना होगा। अब इसको जब 4-5 टाइम सब पढ़ोगे और एग्ज़ाम जब टेस्ट भी दोगे तो चीज़ें मेमोराइज हो जाती हैं, फिर टाइम नहीं लगता है आपको, ठीक है, ऐसे करना है। इसके अलावा भी NFHS जो 5 हमारा जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यूपी और इंडिया के महत्वपूर्ण आंकड़े, जैसे जेंडर का पूछ सकता है, ठीक है, तो इस तरह के आंकड़े, ठीक है, तो ये सब देख लेना है आपको, ओके। ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है हमारा करंट अफेयर्स, ठीक है, 30+ क्वेश्चन आते हैं। ठीक, प्रॉब्लम क्या है कि हम करंट अफेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश, मतलब एफर्ट भी सबसे ज़्यादा डालते हैं हम इसमें, अगर हम बात करें तो एफर्ट भी सबसे ज़्यादा इसमें देने लगते हैं हम, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि सोर्सेज बहुत से रेफ़र करते हैं हम, यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3-4 मैगजीन भी उठा लाए, जब इतनी जगह से आप पढ़ोगे तो कोहेरेंस नहीं आएगी आपकी स्टडी में, एक ही टॉपिक आपने 3 जगह से पढ़े तो आप कन्फ्यूज हो गए, कभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो मैक्सिमम 2 सोर्सेज ही रेफर करने हैं इसमें, 2 ही सोर्सेज आप रेफर करेंगे इसमें, कोशिश करें इंटरनेट का यूज वहीं पर करें सर्च करने के लिए, अगर कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो, सपोज करिए इलेक्टोरल बॉन्ड भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो इलेक्टोरल बॉन्ड आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, ठीक है, जो भी बढ़िया चैनल हो बस उसको एक बार सुन लीजिए, ठीक है। जैसे मैं जो रेफर करता हूँ इन दोनों में से, अगर आप डेली क्लासेस कर सकते हैं सर की, ठीक है, तो बेस्ट है, अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डेली नहीं कर सकते हैं तो मंथली मैगजीन ले लीजिए आप, ठीक है, दोनों में से कोई एक रेफ़र कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा, एग्ज़ाम की 1 मंथ पहले आती है हमारी, ठीक है, एग्ज़ाम की 1 मंथ पहले हमारी दृष्टि आती है, घटनासार भी आती है, ठीक है, जिसमें हमारा जो भी हमारे 1 वर्ष के करंट अफेयर होते हैं वो उसमें कवर होता है, ठीक। अभी क्या करना है कि मैंने बोला ना कि आपको 2 ही सोर्सेज रखने हैं, क्योंकि सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए लेकिन आपके रिवीजन मैं कहूँगा अनलिमिटेड होने चाहिए, मतलब जितनी बार आप कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। जैसे आपने मंथली उठाई, मिनिमम 3 टाइम्स पढ़ने हैं आपको, इससे कम पढ़ोगे तो रिटेन नहीं कर पाओगे आप, मिनिमम 3, सेम दृष्टि के लिए भी जाता है, मिनिमम 3 टाइम पढ़ने हैं आपको, ठीक है। मुझे 7 डेज लगते थे इसको कंप्लीट करने में 3 बार,
अराउंड 200 पेजेस की है, बट हैबिचुअल हो जाओगे आप तो तीन बार ख़त्म करने में आपको 7 दिन ही लगेंगे और 3 बार आपको कंप्लीट करनी ही है, ठीक है। अभी क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आएगी इसमें और इसमें दोनों में, कुछ ऐसे फैक्ट होंगे जैसे इंडिसेस आते हैं हमारे सूचकांक जो हमें याद नहीं होते हैं, ठीक है। इनको आप लिख सकते हो कहीं नोट्स बना के, जैसे अभी हमारा शायद आया है 134, उसका आया ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है ना अभी शायद, ठीक है 134 स्थान है सर भारत का, यही है ना। अब कई बार ये याद नहीं होता है तो इसको आप किसी तरह से याद कर लो, एसिड लिख लो इसको, ठीक है 1 3 4 कुछ कोई स्टोरी कनेक्ट कर लो आप, ठीक है ऐसे कर सकते हो आप चीज़ें याद। नंबर्स ना याद हो रहे हैं तो नंबर्स आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे एच में भी शायद 8 होगा तो 8 कोई किसी में रैंक है, मतलब यूपी की रैंक है किसी सूचकांक में तो इसको एच कर लीजिए आप, पावर हॉर्स बन गया, पावर हाउस बन गया, ऐसे कुछ दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप याद करोगे चीज़ों को जब जो चीज़ें याद ना हो रही हो भाई, ठीक है। हम मल्टीपल टाइम करना है क्योंकि जो आना है इसमें से आ जाएगा, और जो अब एक दो क्वेश्चंस के लिए आप पूरी किताब नहीं पढ़ोगे, लिमिटेड टाइम है, रिसोर्स अब टाइम भी रिसोर्स है आपका लिमिटेड है तो उसको एफिशिएंटली आपको यूटिलाइज करना है। पूरा टाइम आप करंट को नहीं दे सकते, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं 10 डेज ही देता हूँ करंट अफेयर्स को, बट मेरा मोर और लेस लगभग लगभग हो जाता है